नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल शेर जी के पॉइंट पर। जी के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल शेर जी के पॉइंट से भी जुड़ जाइए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पारुल चौधरी को देने की घोषणा की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को NAAC की ओर से A++ ग्रेड दिया गया है? कानपुर विश्वविद्यालय को दिया गया है। चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? कानपुर में किया गया है। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है, यह किससे संबंधित है? यह उद्योग से संबंधित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हालिया निर्देश का फोकस क्या है? साइबर सुरक्षा और शिक्षा समाधान है। हाल ही में पद्म भूषण उस्ताद राशिद खां का देहांत हो गया है, ये किस जिले से संबंधित हैं? ये बदायूं से संबंधित हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश में की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजना की कुल लागत क्या है? 19,100 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनेगा? चंदौली में बनेगा। उत्तर प्रदेश का पहला मछली संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कुशीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सेल कहाँ बनाई गई है? लखनऊ में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क कहाँ बनाई गई है? लखनऊ में बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से जनपद सम्मिलित हैं? प्रयागराज अयोध्या वाराणसी सम्मिलित हैं। किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं? फाइलेरिया बीमारी के। किस संस्था द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टर्मिनल का परीक्षण किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मेगा क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है? वाराणसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? प्रयागराज में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील कहाँ बना है? चार बाग लखनऊ में बना है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है या गोंडा में खोला गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है? कानपुर में रखी गई है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जान विकसित किया जा रहा है? नोएडा में विकसित किया जा रहा है। किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? सरयू नदी पर या अयोध्या में स्थित है। किस जनपद में प्रदेश की पहले स्टेम लैब को स्थापित किया गया है? वाराणसी में स्थापित किया गया है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? मेरठ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया है? जौनपुर में किया गया है।
छह नदियों को स्वच्छ व समृद्ध बनाने के लिए किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पाद मेले का शुभारंभ किस जनपद में किया है? गोरखपुर में किया है। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? गोरखपुर है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। यूपी हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मेट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 2028 तक रखा गया है। कौन सा राज्य एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? कन्नौज है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत एक दिन में कितने वृक्ष लगाए गए हैं? 30 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। देश का पहला दूरसंचार उत्कृष्ट केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? गोरखपुर से संबंधित है। यूपी के किस जिले का नमो घाट थल जल और नभ से जुड़ने वाला देश का पहला घाट बन गया है? या वाराणसी का है। यूपी के किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नारकोडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा की गई है। यूपी के अलीगढ़ का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव रखा गया है? हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी के किस शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। यूपी के किस शहर में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया है? कानपुर में शुरू किया गया है। नमस्कार साथियों।